असली मुद्दों पे तो बात ही नहीं हो रही है। एक समस्या हो तो बताएं आपसे, ये तो 36 समस्याएं हैं। जो तुम्हें पब्लिक वोट से जिताती है उनका ध्यान रखो, इनका ध्यान मोदी ने नहीं रखा है। कोई विकास नहीं, किसी पार्टी के काल में विकास नहीं हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये तीर्थ की दुर्दशा हो रही है। पानी का जो भराव क्षेत्र है, तो अजमेर के अंदर पानी की इतनी भीषण समस्या हो गया है। पानी का ऐसा है जो पहले तो हर दूसरे दिन आता था, अब तीन तीन दिन में पानी आ रहे हैं। सिवाय धर्म, धर्म के ऊपर हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, धर्म हो रहा है, और कुछ ऐसे चीज़ें फैलाई जा रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिससे पब्लिक डेवलपमेंट के या जनता के इम्प्रूवमेंट की ऐसी कोई बात नहीं। नोटबंदी असर तो बहुत पड़ा है, बहुत पड़ गया हमारे। किस किस समस्या को हल करें? गाय के मुद्दे से क्या डेवलपमेंट होगा देश का? कुछ होगा? गाय मत खाओ, खाओ क्या फर्क पड़ेगा इससे पब्लिक में, सोसाइटी में? लोग तो बकरा भी खा रहे हैं, बकरे पे क्यों नहीं मुद्दा करते हैं? मुर्गा खा रहे हैं, मुर्गे पे मुद्दा करो ना। गाय को धर्म से रिलेट करके और जबरदस्ती का जहर फैलाया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं, इससे देश को कोई फायदा नहीं होना। कर में वोट नहीं है, यदि यहाँ वोट मिलते रहते ना तो कभी के नेता लोगों के मंडराते, जैसे राम मंदिर के पीछे मंडरा रहे, उसके पीछे वोट है, इसके पीछे वोट नहीं है। इस कदर बोले तो टूटे हुए हैं, ना तो किसी को बोल सकते हैं ना कर सकते हैं कुछ। राजस्थान के अजमेर के गोल प्याओ एरिया में पहुंच चुके हैं। लोकसभा का इलेक्शन होना है, यहाँ पे पूरी चुनावी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि उनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं। देखिए, अजमेर के अंदर जो मोटे मोटे पांच मुद्दे हैं उस पर मैं आपको बता देता हूँ कि रोजगार, पानी की, बिजली की और स्वास्थ्य की, और ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की। ये एक बहुत बड़ी समस्या अजमेर के अंदर है। स्मार्ट सिटी में इसका नाम आ गया, लेकिन उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए स्मार्ट सिटी का, क्योंकि स्मार्ट सिटी है और जैसा नाम है उतने अभी तक वहाँ तक अचीवमेंट हो नहीं पाया है। रोड बनना इज़ नॉट इम्प्रूवमेंट, रोड तो रूटीन में बनने चाहिए, रोड तो रूटीन में बन के ख़त्म होने चाहिए। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि कुछ जॉब्स क्रिएट हो, कुछ इंडस्ट्रीज़ आएँ। अजमेर में इंडस्ट्रीज नाम की चीज़ नहीं है, लोग अजमेर के बच्चे बाहर नौकरियाँ करने जा रहे हैं। रोजगार की यदि हम बात करें तो अजमेर में पढ़ने वाला बच्चा अजमेर के अंदर ही रोजगार नहीं कर सकता, उसको या तो NCR की तरफ विजिट करना पड़ता है या फिर साउथ की तरफ जाना पड़ता है। जबकि मोदी सरकार ने 14 में बोला था कि जॉब हम ऐसे दे देंगे, और बच्चे पागल हो गए थे कि भाई ये जॉब दे देंगे, उस वजह से इनको वोट दिया, और एक बच्चे की जॉब नहीं लगती है। हायर एजुकेशन के लिए कोई ऐसा संस्थान अजमेर में नहीं है जो बच्चा यहीं पर रुक कर अजमेर में ही रहकर पढ़ाई कर सके, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत भारी पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई में एडमिशन के हर साल फीस देनी पड़ती है, पढ़ाई के किताबें कॉपियां हर साल नए नए लेने पड़ते हैं, प्लस उनके फीस के खर्चे भारी पड़ते हैं। के बाद में अगर हम समस्याओं की बात करें तो बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दफ़ा जब BJP की गवर्नमेंट यहाँ पर रही तो टाटा पावर कंपनी को अजमेर की बिजली सप्लाई का और मेंटेनेंस का काम दे दिया गया। हुआ उसके नतीजा उसका ये हुआ कि टाटा को काम देने के चक्कर में अब अजमेर के अंदर जो घरों के ऊपर बिल आ रहे हैं घरों में और दुकानों के ऊपर, उनके ऊपर जो बिजली की दर है वो बढ़कर आ रही है। उन दरों के ऊपर कटौती लगातार अजमेर शहर के अंदर हो रही है। लाइट के बिल, लाइट की कटौती, कम से कम 12 घंटे हमें चार्ज करनी पड़ती है, वो चार्ज करने के बाद बैटरी का खर्चा कम से कम 36,000 से 6 महीने के अंदर आता है। अब बैटरी का खर्चे निकाले, लाइट के बिल निकाले, बच्चों की परवरिश का खर्चा निकाले, तो इसमें बहुत कमाई बहुत कम है। अधिकतर क्या होता है कि चुनने के बाद में तो वो शक्ल नहीं दिखाते हैं जनता के बीच में, उनसे मिलना तक मुश्किल हो जाता है, जनता उनसे बात तक नहीं कर सकती है, ये स्थिति है। होना ये चाहिए कि अगर तुम्हें चुन दिया है तो तुम्हें जनता के बीच में आकर टाइम देना चाहिए, उनके मोहल्लों में आकर मिलना चाहिए, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है कुछ, इससे इस तरह की चीज़ें डिस्कस करें जिससे कुछ डेवलपमेंट हो, पब्लिक का फ़ायदा हो। पानी के इश्यू में बताऊं कि अजमेर को बीसलपुर बांध से पानी आता है। बीसलपुर बांध की स्थिति अभी यह है कि बीसलपुर बांध का पानी भीलवाड़ा, टोंक और जयपुर भी जा रहा है, जबकि बीसलपुर बांध का जब निर्माण किया गया था तो उस निर्माण के साथ ये निर्माण इसलिए किया गया था कि अजमेर के लोगों को एक पानी की सुविधा बीसलपुर बांध से दी जाएगी। लेकिन
ताज़ा स्थिति ये है कि 72 घंटे में अजमेर में पानी आ रहा है और सारा का सारा जो पानी है वो 24 घंटे में जयपुर जा रहा है। हम नहीं मना करते कि टोंक को पानी मत दीजिए या भीलवाड़ा को मत दीजिए, जयपुर को मत दीजिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि 24 घंटे में अजमेर को तो पानी मिलना चाहिए। पानी ये क्या है कि जो पुष्कर सरोवर है, ये जो चक्षु है, इनके जो नीचे जो खुदाई हुई थी तो खुदाई होने के पश्चात के चक्षु बंद हो गए, मतलब जो नेचुरल जो इसके जो स्रोत था वो बंद हो गए। तो स्रोत बंद होने के बाद में जो ये बारिश का पानी आता है वो पानी अब स्थिर रहता है, और जब पानी कम हो जाता है तो इसका जो डीपनेस कम हो जाती है। स्वास्थ्य पे अगर बात करें तो स्वास्थ्य के अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पे जाके हालात देखिए आप, दवाइयाँ नहीं हैं, मरीजों के लिए बेड नहीं है, जो नए निर्माण कर दिए गए हैं वो अभी तक चालू नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या, कॉटन तक नहीं है, व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई है, सफाई की व्यवस्था भी ढंग से नहीं है, यहाँ के जो प्रशासनिक है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेशेंट आते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र जो से जो पेशेंट आते हैं उनसे अगर अचानक हल्की सी मिस्टेक हो जाती है तो ये लोग इस तरह बेरहमी से उनके साथ व्यवहार करते हैं कि उसकी हद ही पार हो चुकी है। सर मेरे पैर में प्रॉब्लम है, डॉक्टर का पता नहीं है, लाइन पहले से सुबह से शाम हो गई है लगते लगते। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ ने तो पानी की व्यवस्था अच्छी भरी नहीं होगी, और ना वो अंदर को किसी यहाँ बैठने की, सबको गार्ड हो, होम गार्ड जो भी हो, सबको बाहर चलो बाहर चलो। आयुष्मान भारत है, इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला है? देखिए ये सबसे गंभीर बात, देखिए इस योजना का नाम सुनते ही मुझे तो बहुत हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट रही, केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही, लेकिन हालात ये हो गए कि प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना लॉन्च तो कर दी लेकिन राजस्थान के अंदर किसी भी अस्पताल में लागू नहीं हो पाई। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि राजस्थान के किसी भी अस्पताल में आयुष्मान योजना अगर चल रही हो तो मुझे बता देना। बामाशाह योजना की स्थिति ये है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बामाशाह योजना को बंद कर दिया जाएगा और आयुष्मान योजना शुरू होगी कि नहीं होगी ये भी पता नहीं। मॉनिटर कौन करेगा कि वो योजना वहाँ पे लागू हुई है या नहीं हुई है? उसका लाभ नीचे तक के आदमी को, जहाँ तक वो योजना का लाभ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा है ही नहीं पहुँचा, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? 12 रुपये जीवन बीमा के नाम से वो कटते रहते हैं इंश्योरेंस के, बाकी पैसा कोई आ नहीं रहा, उससे नोटबंदी असर पड़ गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बहुत बड़ी स्कीम जिसमें प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, 2022 तक उनका सपना है कि हर परिवार के पास एक घर हो, वो तक लागू नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि सरकार कोई भी योजना जब चलाती है तो उसके पीछे उसका एक वोट बैंक तैयार होता है, और उस वोट बैंक को तैयार करने के लिए ही उन्होंने सरकारी अस्पताल के अंदर भी बामाशाह स्वास्थ्य का बोर्ड लगाया है, उन्होंने ये ऑप्शन दिया है जिससे कि योजना यहाँ पर आने वाले लोगों को दिखाई दे। और सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा गरीब तबका यहाँ पर आता है, और इसीलिए उसके दिमाग पर, ये मन में उस पर छाप छोड़ने के लिए इस योजना को यहाँ पर अंकित किया गया है। राहुल गांधी बहुत किसानों और मजदूरों की बात कर रहा है, कोई उम्मीद है उनसे? अब देखिए वो तो आप लोग बता सकते हैं जो क्या उम्मीद है, हमारा तो बिल्कुल दोनों साइड से उम्मीद टूट चुका है, दोनों पार्टी से।